Hi lovely friends, again welcome back to my channel. So this is my setup, आप जानते हो. एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीशो दुपट्टा कलेक्शन हॉल. सो गाइज, मैंने मीशो से दुपट्टे का कलेक्शन हॉल का वीडियो बनाना क्यों सोचा, बिकॉज मैंने भी मार्केट में बहुत सारे दुपट्टे ट्राई किए हैं और मार्केट से या फिर अदर वेबसाइट पे मैंने दुपट्टे जो हैं वो ट्राई किए हैं. सो ट्रस्ट मी गाइज, मार्केट में जो मैंने दुपट्टे ट्राई किए हैं, नॉर्मल कॉटन के दुपट्टे 200 से 250 की रेंज में मिलते हैं. बार्गेनिंग करें तो हमें ईजीली 200 या 230 इससे ज़्यादा नीचे नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा वर्क भी चाहिए, थोड़ा सा गोल्डन टचअप का या थोड़ा सा फेस्टिवल सीज़न के अकॉर्डिंग अगर हमें दुपट्टे चाहिए तो 200 से अबव आपको पे करना ही पड़ता है. प्लस नॉर्मल कॉटन के दुपट्टे 200 के मार्केट में मिलते हैं. मैंने बार्गेनिंग करने के बाद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और जो अदर वेबसाइट है लाइक मिंत्रा, अमेजोन, वहाँ पर भी मैंने ट्राई किए हैं तो 300-400 की रेंज में एक दुपट्टे का अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है. बट आई थॉट कि 300-400 भी ज़्यादा है एक दुपट्टे के लिए. अगर आपको ऐसे दुपट्टे चाहिए जो आपके सारे आउटफिट के साथ में अच्छे लग जाएं और ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं हो और थोड़े से पार्टी वेयर या थोड़ा सा फंक्शनल लुक भी दे और एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर हो, लाइक 200-250 या 260 की रेंज एक सफिशिएंट रेंज होती है दुपट्टे के हिसाब से. सो मैंने इसलिए सोचा है कि मीशो से कुछ अफोर्डेबल रेंज के दुपट्टे पिक किए जाएं, कि मीशो पे वाकई में जो इतनी कम रेंज के दुपट्टे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है. सो मैंने कुछ ऐसा सोच के कुछ अलग अलग वैरायटी के दुपट्टे जो हैं वो चूज़ किए हैं मीशो से. एंड मैं जो है उसका हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो बिना देरी करते हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी एंड इन सारे दुपट्टे का जो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वैसे तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते हैं, इनकेस इनमें से कोई आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना. एंड मीशो से आप शॉपिंग फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करके करोगे तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे. एंड आप पहले शॉपिंग कर चुके हो तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ नहीं मिलेंगे. बहुत ही सिंपल है, मीशो ऐप को इंस्टॉल करके कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप जो है ऐसे शॉपिंग कर सकते हो. सो बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी इस वीडियो की रिगार्डिंग वो मैं आपको दे चुकी हूँ. अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज, लेट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल सा दुपट्टा शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ये वाइट कलर का है और इस पर जो है कश्मीरी वर्क जो होता है ना वो किया हुआ है पूरे दुपट्टे पे. और ये नेट का दुपट्टा है, नेट की क्वालिटी इतनी अच्छी है. एक तो रफ नेट आता है और एक सॉफ्ट नेट आता है, तो ये पूरा सॉफ्ट नेट है और जैसा इमेज में दिखा रखा था ना पिक्चर में वैसा ही डिट्टो मुझे रिसीव हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है. थिंक इज दैट कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे है ना टसल्स लगा सकते हो या फिर आपको थोड़ी सी ऑल्टर या फिर जो बोलते ना पाइपिंग वगैरह होती है पिको जो होता है ना वो आपको कराना पड़ेगा मार्केट से. बाकी जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका जो रोजेस का वर्क है बहुत ही फुल फिनिशिंग के साथ में आया है. जैसा इमेज में था ना वैसा मुझे रिसीव हुआ है. मुझे पहले लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा बट बहुत ही अच्छा मुझे रिसीव हुआ है. एंड प्राइस जस्ट 230 रुपीज़. सो 230 के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा. यू नो, मैंने ऐसे हैवी सूट जो होते हैं उन पे भी अगर हम खरीदते हैं तो इस टाइप के ही दुपट्टे मिलते हैं, तो मैं उस टाइम सोचती थी कि शायद 500-600 की रेंज वाला दुपट्टा है. लेकिन मैं जो हॉल्स वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है कि जो दुपट्टे की क्वालिटी होती है वो सेम होती है. और ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है, लाइक ये इसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है. 1 मीटर जो होता है ना उस टाइप की इसकी विड्थ है और लंबा भी बहुत ही अच्छा खासा है. फुल लेंथ का दुपट्टा है. वैसे मैं आपको ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा क्वालिटी बहुत अच्छी है. 230 के अकॉर्डिंग मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ. कोड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. दुपट्टा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ब्यूटीफुल सा रेड कलर का दुपट्टा है. यू नो गाइस, इस पे लिखा हुआ था कि ये बनारसी दुपट्टा है और डिस्क्रिप्शन में इस पे लिखा हुआ था कि ये शिफोन का दुपट्टा है. बट ना तो ये बनारसी है और ना ही ये शिफोन का दुपट्टा है. बट जैसा भी है मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें दो पर्पज़ है. जब आप इसको स्टाइल करोगे तो इसका बनारसी लुक आएगा, और आप इसको जब टच करके देखोगे तो ना तो ये शिफोन का ना बनारसी का है. बट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, सॉफ्ट है इसका मटेरियल. आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता इसके जो मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे, लेकिन इसका जो भी मटेरियल है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड लुकिंग बिल्कुल बनारसी दुपट्टे की तरह आती है जब आप इसको स्टाइल करते हो तो. और इसकी लंबाई भी बहुत ही अच्छी खासी चौड़ा है, लंबा है, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लहंगे पे, सलवार सूट पे स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा. प्राइस अगेन 230 और 200 की रेंज में है. स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. नेक्स्ट जो दुपट्टा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ब्यूटीफुल सा नेट का रेड कलर का दुपट्टा है गाइज. इसके अंदर आपको
गाइज इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइक 5 to 6 कलर ऑप्शन मैंने देखे थे. बट थिंग इज दैट कि मुझे जस्ट ट्राई करना था कि जो ये नेट का इतना अच्छा 200 की रेंज में जो दुपट्टा दिखा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है कि भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास रेड कलर के तो बहुत सारे दुपट्टे हैं. बट मुझे थोड़ा सा डाउट था कि जो ये मिरर का वर्क है वो फिनिशिंग वाला नहीं होगा या नेट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इमेज में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखा रखा था और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सुंदर ही आएगा. बाकी मुझे इसमें दूसरा कलर पिक करना था क्योंकि मेरे पास नेट के दुपट्टे हैं भी नहीं, मुझे मरून कलर का समथिंग कुछ चाहिए था. बट ये जो मुझे रिसीव हुआ है इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. आप कांच का वर्क दे सकते हो अगर आपको कैमरे में विजिबल हो रहा है तो, बहुत ही सुंदर क्वालिटी का कांच का वर्क आया है इसके अंदर. और इसका जो नेट की जो क्वालिटी वो भी अगेन सॉफ्ट नेट है, खुरदरा वाला जो नेट होता है बहुत फुला फुला सा रहता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है. और पूरे दुपट्टे पे छोटे छोटे गोल्डन कलर के फ्लावर हैं विद कांच वर्क और बहुत ही लंबा चौड़ा दुपट्टा है. प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मुझे बहुत अच्छी लगी, ट्राई करके आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि कैसा लग रहा है. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ दुपट्टा शेयर करने जा रही हूँ ये है फुलकारी दुपट्टा. वैसे तो इनको फुलकारी दुपट्टा बोलते हैं गाइस, फुलकारी दुपट्टे बहुत तरीके आते हैं. जो ओरिजिनल फुलकारी दुपट्टा होता है वो प्योर कॉटन के अंदर आता है, थोड़ा सा फुलावा सा रहता है. आई गेस मैंने जो ये दुपट्टा ब्लैक कलर का पिक किया है इसका नेम तो फुलकारी ही कहेंगे क्योंकि इस पर पूरे पे वर्क किया हुआ है. बट इसका जो मटेरियल है वो शिफॉन है, बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ मटेरियल, जबकि फुलकारी जो आते हैं वो कॉटन के अंदर आते हैं. बट मैं इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इसका जो वर्क है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग वाला वर्क है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट वाला मटेरियल है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ता है क्योंकि 200 की रेंज में अगेन ये फुलकारी दुपट्टा आपको मिलता है. इस टाइप के दुपट्टे जो हैं आप प्लेन कलर के रेड सूट पे या जो आपको पता है अभी नवरात्रि आ रही है तो गरबा में आप इस टाइप के दुपट्टे स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे. अदरवाइज आप सलवार कुर्ते पे भी इसको स्टाइल कर सकते हो. क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, फुल लंबा चौड़ा दुपट्टा है, रेंज इसकी 200 के अप्रॉक्स है. सो मुझे मीशो से जितने भी दुपट्टे मिले हैं मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इनकी क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. और ये ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप गरबा के लिए कोई आपके पास पिंक कलर या ऑरेंज कलर की ड्रेस है तो उस पर ब्लैक कलर का दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगे. नाउ नेक्स्ट जो मैं दुपट्टा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मुझे बहुत इस पूरे हॉल के अंदर मुझे ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है बिकॉज इसका जो कलर पिक्चर में दिखा रखा था ना सेम वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है. एंड इस टाइप का जो फुलकारी दुपट्टा मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था वो मेरे पास है भी नहीं. एक्चुअली मेरे पास एक फुलकारी दुपट्टा है बट वो जैसा कि मैंने आपको ब्लैक वाले का मटेरियल बताया ना उस टाइप का शिफॉन टाइप का मटेरियल है, बट मुझे कॉटन के अंदर फुलकारी दुपट्टा चाहिए था. तो इसका जो मटेरियल है ब्लैक वाले और ये पिंक वाले मुझे एक ही पार्सल के अंदर रिसीव हुए थे, बट आई डोंट नो उसकी क्वालिटी शिफॉन की कैसे है. ये वाला जो दुपट्टा है वो कॉटन फुलकारी के अंदर है और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा फुलकारी वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. और इसका जो कलर है वो बेबी पिंक, लाइक जो लाइट पिंक कलर होता है ना, एक तो बेबी पिंक कलर होता है, एक थोड़ा सा बेबी पिंक कलर से डार्क पीच काइंड ऑफ पिंक कलर होता है, उस टाइप का ये कलर बहुत ही सुंदर लगने वाला है. मेरे पास एक गरबा की ड्रेस है, मैं उस पर ये वाला दुपट्टा स्टाइल करूँगी नवरात्रि के अंदर, आपको बताऊँगी कैसा लगता है. सो ये वाला दुपट्टा मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी, वर्क बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है एंड मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ. प्राइस अगेंस्ट सो अफोर्डेबल 220 ऐसे ही कुछ है. सो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. लास्ट दुपट्टा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ब्यूटीफुल सा बंदेज का ये दुपट्टा है, मल्टी कलर का दुपट्टा है. सो ये सारी ड्रेसेस के साथ में आपके चल जाएगा और साइड में इसके टसल्स आते हैं येलो कलर के. सो बेसिक जो इसमें कलर है वो येलो है और इसके जो लेस लगी हुई है उसके साथ में मोती की डिज़ाइन आती है. आई होप आपको कैमरे के अंदर दिख रहा होगा. सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है. अगर हमारे पास एक दुपट्टा कलेक्शन है और उसमें बांधनी प्रिंट का या लहरिया का दुपट्टा नहीं हो तो कोई मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने ये बांधनी का दुपट्टा मंगाया है. और लहरिया के बहुत सारे दुपट्टे मेरे पास में हैं जो मैं राजस्थान से मैंने लोकल मार्केट से 200 रुपीज़ में खरीदे हैं. सो इस टाइप का जो हैवी दुपट्टा है वो आपको 300-400 की रेंज में मार्केट में मिल जाएगा, अमेजोन पर भी मिल जाएगा. ये मैंने मीशो से 299 रुपीज़ का खरीदा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग और ये भी बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी लेंथ के अंदर आता है. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है. सिल्क काइंड ऑफ जो मटेरियल आता है ना उस टाइप का इसका मटेरियल है, सिल्क में जो कॉटन आता है ना उस टाइप का इसका मटेरियल है. कॉटन का ये प्योर कॉटन का दुपट्टा नहीं है, इसमें सिल्क की थोड़ी सी शाइनिंग है जो आप फेस्टिवल सीजन के अंदर कुर्ता सेट पे स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है स्टाइल करने के बाद में. तो गाइज अभी जितने भी दुपट्टे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं मीशो से वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के हैं एंड बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं. ट्रस्ट मी गाइज इनकी क्वालिटी एंड इसका जो लेंथ और विड्थ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. प्राइस के अकॉर्डिंग आई
थिंक मैं बार्गेनिंग करके बाहर से इतनी अच्छी क्वालिटी के दुपट्टे तो नहीं ला सकती। आई थिंक मैं 250 या 260 या 300 तो पे करती और मुझे मार्केट भी जाना पड़ता, बट मीशो से घर बैठे मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी के दुपट्टे मिल गए। एंड अदर वेबसाइट की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वहाँ पे एक्सपेंसिव हो थोड़े, बट मैंने जो अभी रिसीव किया मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। स्टाइल करके मैंने आपको दिखा दिया तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनकी लेंथ और विड्थ कितनी लॉन्ग आई है, कैसी इनकी क्वालिटी, आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ज़रा सा भी मेरा जो ये इन्फॉर्मेटिव हॉल वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैशन न्यूज़ चेतना इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय। ओह माय गॉड, कितना एक साथ बोलना पड़ता है ना, मैं थक गई लिटरली, कुछ खाने को चाहिए, मुझे भूख लग रही है, बाय बाय।